ठीक है यार, तो तुम में से बहुतों को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जानना था, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। बट माइक्रो सर्विस को जानने के लिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी जानना पड़ता है, और दोनों को जानने के लिए मेरी थोड़ी बकवास सुननी पड़ेगी पहले। शायद बेस्ट एग्जांपल ना हो बट रिलेट कर पाओगे। तो जब मैं स्कूल में था तो सेकेंड क्लास में मेरी टीचर एक ही होती थी, तो एक ही टीचर मुझे मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाती थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक। फिर जब मैं 9th-10th में आया तो मेरी टीचर्स अलग हो गई, मैथ्स के अलग, साइंस के अलग, SST के अलग, इंग्लिश के अलग। ठीक, तो जब सेकेंड क्लास में टीचर छुट्टी लेती थी या उनकी तबीयत खराब होती थी तो पूरा दिन PT पीरियड होता था, और जब 9th-10th में टीचर छुट्टी लेती थी या उनकी तबीयत खराब होती थी तो सिर्फ उस पीरियड में PT पीरियड मिलता था, बाकी सब में रेगुलर क्लास चलती थी। ऐसे ही जब स्कूल नई टीचर अपॉइंट करता था, अगर वो जूनियर क्लासेस की टीचर थी तो उसको सब आना चाहिए, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, सब कुछ। अगर वो टीचर सीनियर क्लासेस की थी तो उनको एक सब्जेक्ट भी आता हो तो चलेगा, उनको सिर्फ मैथ्स आता हो, उनको सिर्फ हिस्ट्री आता हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अगर सीनियर क्लासेस में बच्चे बढ़ गए, मान लो सिर्फ मैथ्स के बच्चे बढ़ गए, 11th में आया और सिर्फ मैथ्स के बच्चे बढ़ गए, तो स्कूल सिर्फ मैथ्स की टीचर अपॉइंट करता था, बाकी सब नहीं करता था। जूनियर क्लासेस में मान लो सब्जेक्ट्स तो सेम रहेंगे, मान लो कि सेक्शंस बढ़ गए, बच्चे बढ़ गए, तो जो नई टीचर आती थी उसको सब कुछ आता होना चाहिए। ठीक, तो बस ये सुन लो, समझ लो, पता। अब जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा कि मुझे ना फ्लिपकार्ट बनाना। ठीक है, तो मैंने बनाया एक फ्रंट एंड जो मैंने बनाया रिएक्ट में, मैंने बनाया एक बैक एंड जो मैंने बनाया था स्प्रिंग बूट में। ठीक, उस बैक एंड के अंदर अलग अलग फीचर्स थी। एक फीचर उसके अंदर थी कैटलॉग की, कि सारी चीज़ें दिखा सके, उसके अंदर एक कार्ट की फीचर थी, उसके अंदर एक पेमेंट की फीचर थी, और उसके अंदर एक ऑर्डर की फीचर थी कि हाँ जी पेमेंट होने के बाद ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाए, और उसके बाद उसका एक डेटाबेस था, एक MySQL का डेटाबेस था। ठीक, तो फिर ये प्रोजेक्ट मैंने अपने रिज्यूमे में डाला और मुझे इसे एक इंटर्नशिप मिल गई। तो जब मैं कंपनी में गया तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि यार तूने जो बनाया है, मान ले तेरे स्प्रिंग बूट के जो तेरा बैक एंड सर्वर है इसमें पेमेंट्स में कुछ इशू हो गया, पेमेंट्स में कोई API फट गई, कहीं कुछ क्रैश हो गया, तो तेरा कैटलॉग भी नहीं चलेगा, तेरा कार्ट भी नहीं चलेगा, तेरा ऑर्डर भी नहीं चलेगा। कहा तो सही है, तो उनने मुझे क्या कहा कि ऐसे नहीं करते, क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए तुम 6-7 लोग हो तो तुम क्या करोगे, तुम सब अपनी अपनी सर्विस बनाओगे, कि दो लोग मिलके कैटलॉग बनाओगे, दो लोग मिलके पेमेंट्स बनाओगे, दो लोग मिलके कार्ट बनाओगे, दो लोग मिलके ऑर्डर्स बनाओगे, और ये सब सर्विसेज अलग अलग होंगी, अलग अलग स्प्रिंग बूट सर्विसेज होंगी, और ये सब आपस में बात करेंगी जिससे तेरा पूरा फ्लिपकार्ट चलने वाला। तो फेयर आइडिया, तो ही सेड हाउ डिड यू एग्री, तो टू दैट माई आंसर वॉज कि यार मान लो अगर कार्ट खराब हो गई, कार्ट में कुछ फट गया, यार कैटलॉग तो अभी भी चल ही रहा है ना, पेमेंट तो चल ही रहा है ना, कोई अगर ऑर्डर वाले पेज पे है तो उसका ऑर्डर भी सक्सेसफुल होगा ना, कार्ट के फटने से सब कुछ नहीं फटेगा, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी कि हाँ भाई तू ऑर्डर वाली चीज़ बना रहा है, तो आई मेड दिस ऑर्डर वाली माइक्रो सर्विस, कि हाँ ये पूरी माइक्रो सर्विस बनाई थी, ये सिर्फ ऑर्डर्स के लिए थी और बाकी वाली माइक्रो सर्विस अलग अलग लोगों ने बनाई थी। ठीक, तो अब अगर हम मुद्दे की बात पे आए, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस क्या होता है, तो अगर मैं पहले मोनोलिथिक की बात करूं तो जो मेरी सेकंड क्लास की टीचर थी या फिर जो मैंने कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाया था कि हाँ जी एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रही है, या फिर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर चारों सर्विसेज हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक, कि हाँ तुमने एक सर्विस बनाई उसमें सब कुछ डाल दिया, दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक, कि हाँ जी एक फटेगा सब फटेंगे, सब चल रहा है, सब बढ़िया है, एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। अगर मैं बात करूँ कि हाँ जो मेरी 10th की टीचर्स थी और जो मैंने कंपनी में जो बनाया, जो मैंने अलग अलग सर्विसेज बनाई, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, की हाँ जी इंग्लिश की टीचर अलग है, मैथ्स की अलग है, साइंस की अलग है, SST की अलग है, कि जी अपना कैटलॉग अलग है, ऑर्डर अलग है, पेमेंट्स अलग है, तो इस केस में कोई एक टीचर की तबीयत खराब होगी तो बाकी पीरियड्स चलेंगे, इस केस में कोई एक सर्विस फटेगी तो बाकी सर्विसेज एकदम सही काम करेंगे। सो दिस इज वॉट इज मोनोलिथिक, दिस इज वॉट इज माइक्रो सर्विस। आई होप अब तक बेसिक आइडिया दोनों का समझ में आ गया होगा कि हाँ मोनोलिथिक क्या होती है, माइक्रो सर्विस क्या होती है। ठीक, अब दोनों के
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मोनोलिथिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मोनोलिथिक की बात करूं तो इसके एडवांटेजेस या इसके प्लस पॉइंट्स, ये भी स्केल आउट कर जाता है। हमने लास्ट टाइम वर्टिकल स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल की बात करी थी, तो ये वाला भाई एक ही डब्बा है, तो वर्टिकल स्केल तो कर ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्केल भी कर सकता है कि हाँ जी सेम सर्विस बार बार रिपीट कर दो और हमारा यूज़र इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, तो ये कर सकता है, ठीक। फिर इसके दूसरे फायदे क्या हैं कि यार क्योंकि सब कुछ एक ही बॉक्स के अंदर है, कोई भी नेटवर्क कॉल इन्वॉल्व नहीं है, सब एक ही सर्विस है, कोई नेटवर्क कॉल इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज़ फास्टर, ठीक है। कोई आरपीसी कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज जनरली फास्टर देन माइक्रो सर्विस, ठीक। फिर इसके अंदर लेस मूविंग पार्ट्स हैं, स्मॉल स्मॉल कॉम्पोनेंट जो मैं माइक्रो सर्विस के अंदर बना रहा हूँ वो नहीं है, तो ये फायदा है। नेक्स्ट इसके अंदर ये फायदा है कि यहाँ अगर छोटी टीम है, कम लोग हैं, तो यार वो मिल के काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा वही सेम बात, कॉलिंग नहीं है ज़्यादा, तो सेम ही बॉक्स के अंदर सब कुछ हो रहा है, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि यार ऑनबोर्डिंग, टीचर की बात करूँ, कोई नई टीचर आई है जूनियर के लिए, तो उन टीचर को सब कुछ जानना पड़ेगा, उनको मैथ साइंस इंग्लिश हिस्ट्री सब कुछ समझनी पड़ेगी, तब वो मेरी क्लास को पढ़ा पाएंगे। तो इसके अंदर ऑनबोर्डिंग थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि हाँ जी जो नया बंदा आया है उसको चाहे सिर्फ कार्ड्स वाले काम में काम करना हो, लेकिन उसको पेमेंट्स, कैटलॉग, ऑर्डर सब समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एकदम टाइटली कपल्ड है, एकदम एक साथ काम कर रहे हैं, तो ही वुड हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक। अगली बात, जो सेकंड क्लास की टीचर अगर तबीयत खराब होती तो पूरे दिन पीटी पीरियड मिलता था, सेम बात इसके अंदर भी वही है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कि अगर मेरी सर्विस में कुछ इशू आ गया, कोई बग चला गया, तो जी सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, मेरा पूरा फ्लिपकार्ट नीचे चलेगा, चाहे सिर्फ एक कंपोनेंट में इशू, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है कि इसके अंदर डिप्लॉयमेंट्स में इशू, एज इन होता क्या है कि कंपनीज में सब कंपोनेंट्स के ऊपर लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अगर एक ही सर्वर है, एक ही सर्विस है, तो जब कैटलॉग में डिप्लॉयमेंट जाएगी उसमें कुछ चेंज हुए हैं तो भी पूरी सर्विस के अंदर जाएगा, जब ऑर्डर्स में जाएगा तो भी पूरी सर्विस में जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ कैटलॉग वाली चीज़ को रिस्टार्ट कर दो, उसके अंदर चेंजेस करके पूरी सर्विस, क्योंकि एक ही है, तो उस पूरी को रिबूट होना पड़ेगा, उस पूरी को दोबारा से चलाना पड़ेगा नए कोड के साथ, ठीक। अब बात कर लेते हैं जी माइक्रो सर्विस की, ठीक। तो माइक्रो सर्विस में क्या है, पहली चीज़ इट इज़ ईजियर टू स्केल आउट, ईजियर टू स्केल आउट एज इन, जैसे मैं तुम्हें बताया कि अगर 11th में आके ज़्यादा बच्चे कॉमर्स में चले गए तो स्कूल को सिर्फ मैथ्स की टीचर्स या कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स की टीचर्स ज़्यादा लेनी है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री के ज़्यादा टीचर्स नहीं लेनी है, तो इट इज़ ईजियर टू स्केल आउट, ठीक है। तो जिस कॉम्पोनेंट के अंदर लोड ज़्यादा आ रहा है, कैटलॉग में लोड ज़्यादा आ रहा है, ऑर्डर्स में इतना लोड नहीं आ रहा, तो सिर्फ कैटलॉग वाली सर्विस को स्केल आउट कर दो, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग डाल दो या वर्टिकल या जो भी है, मुझे ऑर्डर वाले सर्विस को स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देन द नेक्स्ट चीज इज थिंग इज ऑनबोर्डिंग, कि अगर मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया जो सिर्फ पेमेंट्स में काम करेगा, तो उसको सिर्फ पेमेंट्स के बारे में जानने की जरूरत है, ही डजेंट नीड टू नो कि कैटलॉग कैसे काम कर रही है, ऑर्डर्स कैसे काम कर रहे हैं, उसको सिर्फ अपनी सर्विस के बारे में जानने की जरूरत है। और इसके अंदर फिर नेक्स्ट चीज लूज कपलिंग, कि सब अलग अलग हैं, अगर एक चीज खराब होती है तो बाकी सब चीज चल रही है, ये हम बात कर चुके पहले, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लो, डिसएडवांटेज क्या है कि बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि यार आपस में बात कैसे करेंगे, कैसे सही चीज़ होगी, कैसे एपीआई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सब कुछ। तो इसके लिए हमें एक आर्किटेक्ट चाहिए होता है, एक सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्ट, कि यहाँ पे तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा कि हाँ जी छोटे छोटे कॉम्पोनेंट डिजाइन कैसे करने हैं, कि वो आपस में बात कैसे करेंगे, कि सिस्टम एकदम सही चले, ठीक। नेक्स्ट चीज इसके अंदर जो मोनोलिथ का प्लस पॉइंट था, उसका नेगेटिव पॉइंट होगा कि इसके अंदर नेटवर्क कॉल्स हैं, तो यार ये मोनोलिथ से थोड़ा सा स्लो होगा। नेक्स्ट और लास्ट चीज इसमें एक पॉजिटिव है, वो ये है कि इसके अंदर पैरेलल डेवलपमेंट हो सकती है, कि दो लोग इस सर्विस पे काम कर रहे हैं, दो लोग इस पे काम कर रहे हैं, इन्होंने काम फटाफट करके डिप्लॉयमेंट कर दी, ऑल गुड, इन्होंने काम फटाफट करके डिप्लॉयमेंट कर दी, ऑल गुड, इसकी डिप्लॉयमेंट से इसको 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 फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी डिप्लॉयमेंट से इसको 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 फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऑल टीम्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड दे जस्ट नीड टू इंटरैक्ट, कि जब
एक सर्विस से कोड फ्लो दूसरे सर्विस में जा रहा है कि जब यूजर एक पॉइंटर दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। सो दिस इज ऑल। ठीक, तो जो हमने अभी तक किया होगा कॉलेज में दैट वुड हैव बीन मोनोलिथिक। तो वन गुड एक्सरसाइज वुड बी कि जब तुम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जाओ तो यार एक सर्विस ना बना के दो तीन अलग अलग सर्विसेज बनाओ और वो अलग सर्विसेज आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी। दैट वुड बी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की। हाँ जी, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, आपस में बात करेंगे एंड हर कॉम्पोनेंट सिर्फ अपना काम संभालेगा, उसको दूसरे के बारे में जानने की, दूसरे सर्विस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम हाई लेवल पे माइक्रो सर्विस समझ लिया हमने कि हाँ जी कैसे काम करता है, कैसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कैसे बात करते हैं एंड एक्चुअली कंपनीज में कैसे काम होता है। ठीक, अगर मैं तुमसे फ्लिपकार्ट के एक्चुअल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करूँ तो शायद कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ कुछ ऐसा। एक वेबसाइट है, सर्विस प्रॉक्सी, और ये देखो ये एक सर्विस है, ये एक सर्विस है, ये अलग अलग सर्विसेज हैं। हर सर्विस का अलग अलग डेटाबेस होता है, ये अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस हैं, तो हर सर्विस का अलग डेटाबेस है और ये आपस में इंटरेक्ट करके सारा काम करते हैं। तो ये तुम लाइन्स देख रहे हो, दिस इज कि ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर वर्क्स। ठीक, तो अब तुम्हें स्केलेबिलिटी पता है, उससे तुमने सीख लिया कि हाँ जी माइक्रो सर्विस क्या है, मोनोलिथ है क्या है। अब एक एक्सरसाइज करना, उसको इसको रिलेट करके देखना कि यहाँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विस, इन दोनों में बाउंड्रीज बना के देखना कि हाँ जी क्या चीज़ किसके साथ सही बैठ रही है, कैसे बैठ रही है एंड हाउ वुड दे वर्क टुगेदर। ठीक, अब नेक्स्ट तुम्हें जो भी सीखना हो, कुछ और ऐसा बज वर्ड जानना हो तो बता देना कमेंट्स में, विल पिक दैट अप नेक्स्ट। ठीक है, चलो।